आपको कैसा मालूम है कि आप डिप्रेशन में हो, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा विजन है। अभी डिप्रेशन की बहुत सारी चर्चा हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद। वैसा हरदम ही जब भी सुसाइड होते रहते हैं तो काफ़ी सारी चर्चाएं डिप्रेशन के बारे में होती रहती है। लोगों का फिर सवाल ये आता है कि हमने कैसे पहचानना कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या डिप्रेशन हमें हो रहा है, या हमारे आसपास में जो कोई लोग है क्या उनको डिप्रेशन हो रहा है, क्या वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कैसे पहचानना। क्या है कि डिप्रेशन के कुछ सेटल लक्षण है और यदि आप वो बारकाई से बिल्कुल बारीक नजरे से देखते रहते लोगों को तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ऐसा कोई एकदम सुसाइड कर नहीं लेता है, सुसाइड करने के पहले काफ़ी सारे इशारे देते रहते लोग, डिप्रेशन आने के पहले भी काफ़ी सारे इशारे मिलते हैं। एकदम छोटी मात्रा में, कम मात्रा में भूख ना लगना, खाने की इच्छा ना होना, फिर नींद डिस्टर्ब हो जाना, नींद नहीं लगना जल्दी, या सवेरे जल्दी उठ जाना, फिर नर्वस या उदास लगना, कोई कारण नहीं है, एकदम मूड डाउन, डिप्रेस्ड, सैड, अचानक से, और यह मूड फ्लक्चुएशन है, फिर थोड़ी देर के बाद में अच्छा हो जाना, फिर कभी ठीक लगता है, फिर कभी डाउन हो जाते हैं और डाउन होने का कारण समझता नहीं है। तो ऐसे अप डाउन मूड्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। होपलेसनेस कि कुछ पड़ा नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ऐसी भाषा का वापर करना, एक दिन तो जाना ही है, क्या इतनी टेंशन लेना, कभी तो बर्बादी होने वाली थी, मतलब इस तरह के कुछ ना कुछ ऐसे डायलॉग्स वो आदमी मारते रहता है। उसके साथ साथ कभी रोना आना, सेक्स की इच्छा कम होना, काम पे नहीं जाना, फिर मतलब अनजान बेचैनी, घबराहट ऐसी होना, एक जगह नहीं बैठना, ऐसे लक्षण थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू हो जाते हैं और फिर बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते कि फिर बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा दुखी, एकदम इतना ज़्यादा कि बिल्कुल वो कंटिन्यूस रो रहा है और दुख के कारण भी बोलता है कि अभी मेरे सामने कोई चारा ही नहीं, मेरे को भी सुसाइड ही करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा डिप्रेस कि अभी जगह पे से हिल भी नहीं रहा है, एक ही जगह पे बैठ जाता है, उठता भी नहीं है, लेटे रहता है, सोते रहता है, कोई काम पे जाता नहीं है और एकदम बिल्कुल जैसा कोई पुतला बना हुआ है, ऐसा एकदम रिटार्डेड हो जाना, एकदम हलचल बंद कर देना। तो अभी ये डिप्रेशन एक तो हो सकता है कि जो लोगों को ऐसे कोई हादसे हुए हैं उनके तरफ भी हमने ज़रा नज़र रखना चाहिए और उनके ऊपर भी वॉच रखना चाहिए। स्पेशली यदि हमारे आजू बाजू के लोग हैं उनके जीवन में ऐसे कुछ हादसे हुए हैं तो फिर हमने उनके ऊपर वॉच रखना वो हमारा फ़र्ज है। और हादसे कौन से है कि एकदम अचानक बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना, फाइनेंशियली बहुत लॉस, किसने अभी डूबा दिया है या अभी पैसा आने वाला नहीं है ऐसा उसको मालूम पड़ा है, शादी टूट गई है या किसी का एकदम नियर एंड डियर वन का एकदम डेथ हो गया, अचानक डेथ हो गया, डिवोर्स हो गया या डिवोर्स होने वाला है वो भी हो सकता है, शादी करना ये भी बहुत बड़ा टेंशन रहता है, शादी होना जीवन में, या घर बदलना, घर में कोई नया मेहमान आना, मतलब नया बर्थ होना, ऐसे आपको दिखेंगे कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे आजू बाजू में वातावरण में ऐसे कोई घटनाएं होती रहती है तब वो डिप्रेशन का, स्ट्रेस का कारण हो सकता है। इसके अलावा फिर किसी के साथ में दंगा फसाद, कोर्ट में केस है, कोर्ट की तारीफ है, या फिर पुलिस केस हो चुकी है उसके बारे में कुछ ना कुछ अभी टेंशन है, ऐसे काफ़ी सारे बातें हो सकती है कि जिसके वजह से वो डिप्रेशन आता है। बिना कुछ वजह भी डिप्रेशन होता है, जैसा केमिकल्स जो ब्रेन में है उनका लेवल या उनका ट्रांसमिशन कम हो जाता है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये जो हॉर्मोन्स है, ये जो केमिकल्स है, इनका लेवल ब्रेन में कम हो जाता है, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज जो ब्रेन में जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक तो वो भी कम हो जाती है और उसकी वजह से भी डिप्रेशन आता है। तब ये डिप्रेशन जब मालूम पड़ता है हमें कि इसमें कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है हमारे आजू बाजू के किसी व्यक्ति में, या अपने में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं भाई आजकल मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस है, थोड़ा सा उदासीनता है, कोई कारण समझ में नहीं आता है, या कोई कारण है भी, तभी भी तुरंत किसके पास में जाके बातचीत करना, अपना मन हल्का करना, अपने विचार जो है वो दबा दबा के ना रखते हुए जो भी कुछ विचार है अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनको बोलना, क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ यदि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो दवाई लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयों से हमारा ब्रेन का जो इम्बैलेंस है वो करेक्ट हो जाता है, मगर कभी कभी दवाइयों को टाइम ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है
बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आइडिएशन है, कहीं बाहर निकल जाएगा, सुसाइड कर लेगा ऐसा आपको लगता है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट भी ECT भी देनी पड़ती है। तो ऐसे इसमें हम यदि लोगों को देखते हैं अपने को खुद को, क्योंकि 10 में से एक व्यक्ति कभी ना कभी उसके जीवन में डिप्रेस होते ही रहता है। कभी कभी डिप्रेशन तो हमको मालूम पड़ता है नॉट एज मूड्स, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द, बदन में दर्द, सर में दर्द, पीठ में दर्द, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, पेट ठीक नहीं है, पेट में एसिडिटी हो रही है, मतलब काफ़ी सारे बदन के लक्षण, शारीरिक लक्षण, जिसके लिए व्यक्ति वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाता है, डॉक्टर के पास में जाता है, वहाँ इलाज करता है, और वो भी उसको बदन दर्द के लिए कोई गोली दे देगा, दर्द कम करने वाली गोली, तो उससे होता नहीं। एक्चुअली उसको ज़रूरत है एंटी डिप्रेशन दवाई की या साइकोथेरेपी की। हम हमारे केयकर हॉस्पिटल में इसके लिए हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, ECT ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को अच्छा करते हैं। आपको किसी को खुद को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे मूड्स अप डाउन हो रहे हैं, मुझे नर्वसनेस है, डिप्रेशन है, कभी भी हमें आप कॉल कीजिए। आपके आजू बाजू किसी व्यक्ति को ऐसा हो रहा है तो कभी भी आप हमारे यहाँ कॉल करके आप हमको सपोर्ट मांग सकते हैं, ले सकते हैं। हमारा ऐप है, वो ऐप के ऊपर आप चैटिंग कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके आप डॉक्टर केयकर नाम का ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिए, और नीचे नंबर जो दिए उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।